अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भर में शिक्षा में अव्वल जिला हमीरपुर के हाई स्कूल डुग्गा को बेस्ट लैंड मैनेजमेंट में देश भर में अव्वल रहने पर अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर जिला के डुग्गा हाई स्कूल ने 1700 स्कूलों को पछाड़ते हुए नेशनल अवार्ड हासिल किया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा किए गए अवार्ड को लेकर नई दिल्ली से वापस लौटे मुख्य अध्यापक मनोज पाल सिंह परिहार, इको क्लब इंचार्ज पूर्णिमा और नैनीहालों ने खुशी जाहिर की है। प्रदेश भर में शिक्षा में अव्वल जिला हमीरपुर के हाई स्कूल डुग्गा को बेस्ट लैंड मैनेजमेंट में देश भर में अव्वल रहने पर अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर जिला के डुग्गा हाई स्कूल ने 1700 स्कूलों को पछाड़ते हुए नेशनल अवार्ड हासिल किया है। सेंट्रल फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा दिए गए अवार्ड को लेकर नई दिल्ली से वापस लौटे मुख्य अध्यापक मनोज पाल सिंह परिहार, इको क्लब इंचार्ज पूर्णिमा और नैनीहालों ने खुशी जाहिर की। बता दें कि हमीरपुर जिला के हाई स्कूल डुग्गा का चयन ग्रीन स्कूल अवार्ड के तहत ही बेस्ट लैंड मैनेजमेंट के लिए चयन हुआ था और स्कूल परिसर में करीब 8 कनाल भूमि परिसर को हरा भरा करने के साथ साथ 100 प्रकार के पौधों व फूलों की प्रजातियों को उगाने के एव्स में स्कूल को अवार्ड से नवाजा गया है। हालांकि इस अवार्ड के लिए प्रदेश भर के सैकड़ों स्कूलों के साथ देश भर से 1700 स्कूलों ने आवेदन किया था, लेकिन हाई स्कूल डुग्गा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। इसमें टाइमिंग नहीं चलती। अवार्ड मिलने के बाद खुशी जाहिर करते हुए स्कूल मुख्य अध्यापक मनोज पाल सिंह परिहार ने कहा कि अवार्ड मिलने के बाद स्कूल में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि स्कूल ने 1700 स्कूलों को पीछे छोड़कर अवार्ड जीता है और इसका श्रेय पूरे स्कूल के अध्यापकों के साथ बच्चों को जाता है। सबसे पहले तो मैं ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने 1700 स्कूलों में हमारे स्कूल का चुनाव किया। ये ग्रीन स्कूल्स जो हैं उनमें हमारा चुनाव हुआ है और हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है और ये सारी चीज़ का क्रेडिट जो है हमारे स्कूल को जाता है, हमारे टीचर्स को जाता है जिन्होंने मेहनत की। और आपको मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 1700 स्कूलों में से हमारे स्कूल का चयन हुआ है और सरकारी स्कूल कम है इसमें, और ये पहला जो हिमाचल का पहला सरकारी स्कूल है जिसको बेस्ट लैंड मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। मैसेज संक्षेप में यही है कि अगर आपके पास काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी लैंड है और वो वेस्ट है या उसके ऊपर जो है कोई भी हम लोगों ने कोई भी ना तो उसके ऊपर पेड़ पौधे हैं या बेकार की चीज़ें हैं, वहाँ पे कूड़ा कचरा है, तो उसको साफ़ करके जो है हम प्लांटेशन कर सकते हैं, फलों के पौधे लगा सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा सकते हैं और उसका बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही सहायक साबित होगा और देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा। वहीं इको क्लब इंचार्ज पूर्णिमा ने कहा कि बच्चों की मेहनत रंग लाई है और बच्चों के द्वारा किए गए काम को सभी ने सराहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी बच्चों को इस तरह अवार्ड मिले इसके लिए काम करेंगे और बेस्ट लैंड मैनेजमेंट को आगे भी दुरुस्त रखेंगे। जो हमें अवार्ड मिला दिल्ली में वेस्ट लैंड मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए पहले तो मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ CSC का और अपने सारे स्टाफ का, अपने इको क्लब टीम का, और हम बहुत ही खुश हैं कि हमें ये अवार्ड मिला और पूरे हिमाचल के लिए, पूरे हमीरपुर के लिए ये खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि ये अवार्ड जो है हमें हर साल जो है मिले और इसके लिए हम बहुत काफ़ी और मेहनत करेंगे और जो सेक्शन है इसमें उन पे हम उनमें भी अधिक से अधिक जो है वो एक्टिविटीज़ करवा के इस मेंटेन रखेंगे इस अवार्ड CSC का, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं और जिनके तहत हमने क्लाइमेट चेंज अवार्ड में जो है ये हासिल किया है ये कैटेगरी अवार्ड। स्कूल की छात्रा त्रिशा शर्मा ने अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर की और कहा कि अवार्ड मिलने का श्रेय मुख्य अध्यापक के साथ इको क्लब इंचार्ज को जाता है क्योंकि उनके मार्गदर्शन में ही बच्चों ने पूरे स्कूल के ग्रीन कवर को बढ़ाने में काम किया है।
कैसी खुशी जाहिर करते हैं? जी सर, जैसा कि हमें 6 फरवरी को न्यू दिल्ली में बेस्ट लैंड मैनेजमेंट के लिए जो था वो अवार्ड दिया गया, तो उसमें हमें मतलब बहुत खुशी है कि हमने जो काम किया था उसके लिए हम सक्सेसफुल रहे और हमें जो अवार्ड मिला उसकी भी बहुत खुशी है। इसका पूरा जो श्रेय है वो अपने हेड सर को देना चाहूँगी, श्री मनोज परिहार जी को, और अपनी जो इको क्लब की हेड मैम हैं वो पूर्णिमा जी को देना चाहूँगी, और जो पूरे मतलब स्टाफ के मेंबर हैं उन्होंने भी बहुत मदद की, और जो ये लीडर खड़े हैं उन्होंने भी बहुत मदद की, और जो बच्चे थे उन्होंने भी पूरे स्कूल के ग्रीन कवर को बढ़ाने में बहुत मदद की, और जो यहाँ की बेस्ट जो लैंड था उसका ग्रीन कवर जो था वो बढ़ाया गया, और पिछले साल जो था वो लगभग 20% जो ग्रीन कवर था उसे हमारा जो लैंड है और ग्रीन कवर है वो 65% जो है डेवलप हुआ है, और इसके लिए जो हमें ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मिली है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और जितने भी मतलब पौधे लगाए गए हैं जो बाहर से प्रजातियाँ लाई गई हैं वो 1000 प्रकार की प्रजातियाँ हैं, और जो स्कूल में पहले से प्रजातियाँ पाई गई थी वो 100 प्रकार की प्रजातियाँ थी, जो प्रवासी पक्षी जैसे कि हम पक्षियों के देखते हैं या जीव जंतुओं के देखते हैं तो वो लगभग 102 पक्षी जो हैं वो प्रवासी यहाँ पर आए हैं, और 62 प्रकार के जो पक्षी थे वो यहाँ पर पहले से ही रहते थे, तो इस प्रकार से जो था वो बताया गया था, और एक ग्राफ जो था उन्होंने बनाया था जिससे पूरा एक मतलब हमने बहुत बड़ा एक जंप किया था, तो इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है हमें।